नमस्ते, मैं डॉक्टर अमजद अली हूँ, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, बड़ेरिया मेट्रोप्लान हॉस्पिटल जबलपुर में हूँ। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। हार्ट अटैक सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बचाव कैसे किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है, ये सभी कोई जानता है। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज मैं इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो जांच है एंजियोग्राफी और इसका जो ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी, इस बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ और काफ़ी गलत जानकारी है इस बारे में समाज में हमारे, कि एक ऐसी जाँच है जिससे कि नुकसान हो सकता है हमारे हार्ट को, हमारी नसों को, क्योंकि हमारे शरीर में तार डाल के की जाती है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों की जाती है। तो एंजियोग्राफी जो है, एक ग्रीक का वर्ड होता है एंजियोन, उसका और ग्राफ, इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। तो एंजियोन का मतलब होता है वेसल्स, वेसल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं कोई भी नली हो सकती है, जैसे कि धमनी या फिर वेन्स। तो एंजियोग्राफी एक जांच है जिसके द्वारा नसों की जांच की जाती है कि अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो उसको जांचा जाता है। तो क्यों की जाती, पहली चीज़ इसलिए की जाती है कि इससे हमें हार्ट की नसों के अंदर के ब्लॉकेज का पता चलता है, इन ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, इसलिए ये जांच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस जांच से ब्लॉकेज का पता हो के उसका सही वक्त पर सही इलाज किया जा सकता है। तो इस एंजियोग्राफी को किया किस तरह से जाता है, तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी मतलब हार्ट की नसों की जो जांच होती है वो दो तरह से होती है। या तो हम एक नली को रिस्ट के द्वारा, रिस्ट में जो आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी, उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो जांघ की नस होती है फीमोरल आर्टरी, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर से एक पतली सी ट्यूब जिसको कैथेटर बोलते हैं उसके द्वारा डाल के ये की जा सकती है। ये जब की जाती है तो इस पतली सी ट्यूब के थ्रू एक डाई होती है, आयोडिनेटेड डाई होती है, इस डाई को हार्ट की नसों के अंदर डाल के देखा जाता है कि उस डाई के बहाव में कहीं पर कोई रुकावट आ रही है या नहीं। अगर कोई रुकावट आ रही है मतलब कि ये ब्लॉकेज को शो करता है, तो अगर ये ब्लॉकेज हुए तो फिर उसका उसी के हिसाब से आगे इलाज किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सारे ब्लॉकेजेस का इलाज करना ज़रूरी है, तो इसका मैं जवाब दूंगा नहीं, सारे ब्लॉकेजेस के लिए एंजियोप्लास्टी या फिर उसमें स्टेंट डालना या बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारी नसों के ब्लॉकेज 70% से कम है तो उसको हम दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में आगे कोई भी खतरा नहीं होगा। हमको नज़र रखनी होती है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप कराते रहना पड़ता है कि कहीं कोई नए सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि चलने में दर्द होना या फिर कोई नया सीने में दर्द होना, खाना खाने के बाद सीने में दर्द होना या जलन होना, तो इसके हिसाब से कि वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है, तो हमको हो सकता है भविष्य में दोबारा एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़े। तो पहला जो ब्लॉकेज कैटेगरी थी 70% से कम वाली, उसमें दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। 70% से ऊपर की अगर नस में ब्लॉकेज है तो उसको इलाज दो तरीके से होता है, या तो एंजियोप्लास्टी की जाती है, एंजियोप्लास्टी मतलब कि हार्ट की नस में स्टेंट के द्वारा, जिसे आम भाषा में छल्ला बोलते हैं, उस स्टेंट को लगा के उस ब्लॉकेज को खोल देना। ये एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी पद्धति से ही की जाती है, हार्ट की नस तक या तो रिस्ट की नस से या फिर पैर की नस से पहुँचा जा सकता है। तो इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, छोटे से इंसीजन, एक जस्ट एक प्रिक के थ्रू इसको कर दिया जाता है, कोई टांका या चीरा नहीं आता है। और दूसरा जो पद्धति होती है बाईपास सर्जरी, अगर ऐसी नसों में ब्लॉकेज है जिसको हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के द्वारा नहीं खोल सकते हैं, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इनफैक्ट बेहतर ऑप्शन होता है, जहाँ पे ज़्यादा नसों में ब्लॉकेजेस हो और तीनों नसों में ब्लॉकेजेस हो, और लेफ्ट में जो बोलते हैं हम लोग कि जहाँ से नस शुरुआत होती है, अगर शुरुआत में ही ब्लॉकेज है तो बाईपास बेहतर होता है एंजियोप्लास्टी की तुलना में। लेकिन कई लोग होते हैं जो बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन हमेशा एंजियोप्लास्टी होती है। तीसरा जो कैटेगरी होती है, 100% नस बंद हो गई अगर किसी की, तो 100% नस बंद होने के भी दो कारण होते हैं। एक, अचानक से नस को बंद हो जाना, अचानक से नस बंद होगी तो हार्ट अटैक होगा, मेजर हार्ट अटैक, पेशेंट को अचानक से बहुत तेज दर्द होगा, उसे फौरन अस्पताल पहुँचना चाहिए और उस नस को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो बोलते हैं, मतलब कि आते से ही सीधा एंजियोप्लास्टी के द्वारा उस नस को फौरन खोलना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है अगर हार्ट अटैक है, एंजियोप्लास्टी का, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का। दूसरा ऑप्शन होता है खून पतला करने के इंजेक्शन का, कि अगर पेशेंट किसी छोटे शहर से है
या ऐसी जगह से है जहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, तो खून पतला करने के इंजेक्शन के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। खून पतला करने का इंजेक्शन लगाने से संभावना होती है कि 50 से 75% नस खुल सकती है, लेकिन हाँ 25 से 50% चांसेस होते हैं कि नस ना खुले। तो ऐसे में हम पेशेंट को ऐसे सेंटर पर रिफर कर सकते हैं जहाँ पर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा, जो नस 100% बंद होती है, धीरे धीरे करके जब ब्लॉकेज बढ़ता है, महीनों में या सालों में जाके नस बंद होती है, तो उसका जरूरी नहीं है कि उसको पेशेंट को उसका पता चले अचानक से उसको सीने में दर्द हो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कई बार नेचुरल बाईपास बन जाते हैं, दूसरी नस से पतली पतली सी नसें निकलती हैं जो बंद हुआ नस है उसको सप्लाई करने लगती हैं, इनको कोलेट्रल्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स, मतलब एक नेचुरल बाईपास बन जाता है। तो ये जो 100% बस नस बंद होती है इसको भी खोला जा सकता है, इसको क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन बोलते हैं, CTO बोलते हैं। इसकी भी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, लेकिन वो एक इमरजेंसी वाला काम नहीं रहता है, उसको हम आराम से वक्त लेके कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हार्ट के ब्लॉकेजेस की, 70% से कम दवाइयों से कंट्रोल, 70 से 90% के बीच में जो कैटेगरी है उसमें भी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, लेकिन अपना कुछ समय लेके की जा सकती है, वो इमीडिएटली ये नहीं है कि हमें फौरन के फौरन करना जरूरी है। लेकिन अगर 90% से ब्लॉकेज ज़्यादा है तो उसमें जल्द से जल्द हमको एंजियोप्लास्टी करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर नस अचानक से पूरी बंद हो जाएगी तो मेजर हार्ट अटैक पड़ने का खतरा रहता है। तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, कि एक तो इसमें हम जो डाई देते हैं वो किडनी के थ्रू साफ होती है, तो इसके लिए किडनी फंक्शन नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हार्ट अटैक की स्थिति में किडनी में भी खराबी है तो भी हमको लाइफ सेविंग एक पद्धति ये जाँच है, इसको करना ज़रूरी है और इलाज कराना ज़रूरी है। तो एक मैं बोलूँगा कि काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, ज़रूरी नहीं है सभी मरीजों का है, सिर्फ इंडिकेटेड पेशेंट में कराना चाहिए, हर चलते फिरते लोग ऐसा नहीं है कि आएंगे हमको जांच कराना है तो उनकी जांच होना ज़रूरी है, नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट अपने खुद की प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को जांच की ज़रूरत है, और जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी का इलाज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।